स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। उन्होंने जमकर गरबा किया है। पीएम के आने से पहले यहाँ का नज़ारा कैसा था बता रहे हैं हमारे सहयोगी और अखिलेश शर्मा बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने गरबा। राष्ट्रपति ओबामा ने उनके लिए खास तौर पर डिनर आयोजित किया है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं इसलिए वो पिछले 5 दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, और इसी के हिसाब से जो यहाँ का मेन्यू रखा गया है डिनर का वो ये है कि इसमें पूरी तरह से शाकाहारी व्यंजन है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जहां तक प्रश्न है, ये कहा गया कि इस डिनर में वो सिर्फ नींबू पानी लेंगे। और यहां हम देखते हैं, इधर आप देखें तो और भी लोग हैं, गरबे की तैयारी उधर पीछे भी हो रही है, यहां पर भी है। क्या गरबा यहां पर पहली बार हो रहा है? फर्स्ट टाइम? या दिस इज फर्स्ट टाइम गरबा हो रहा है यहां पे। हाय, या वी आर वेरी हैप्पी टू सी दिस सच गरबा इन फ्रंट ऑफ व्हाइट हाउस, सो इट्स डेफिनेटली ये मोदी जी के लिए है। मोदी जी के लिए वेलकम, उनके वेलकम करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे इतना या इकट्ठा हुए हैं, और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज किया है इन लोगों ने। आई एम वेरी हैप्पी दैट व्हाइट हाउस के सामने गरबा शायद पहली बार ही हो रहा हो। या दिस इज फर्स्ट टाइम। ये दिवाली यहाँ पर मनती रही है, होली के भी रंग कई बार बिखरते रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के सामने पहली बार गरबा हो रहा है। यहाँ पर जो भारतीय जुटे हैं वो ऐसा बता रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने से करण पात्रा के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।